सुनियो गौर से, बोलूंगा नहीं जोर से, बड़ा पैदा होते कर रहे बदमाशी के कोर से, टोर से खुला पिया रोज वो बुलाती है, हाथ तेरी जेब में तो नोट भी गुलाबी है। तो टाइटल देखो तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जहां पर हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जानवरों से घिरे होते हैं, स्टडी सेंटर एंड हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। हमेशा से तो यार हम लोग सीधा चल रहे हैं, तो आज करते हैं मून वॉक। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 11th और 12th से। हाँ, अब तुम लोगों में से कोई ना इसे जूनियर कॉलेज या कॉलेज बोलते हैं, अगर तुम लोगों में से कोई इसे जूनियर कॉलेज या कॉलेज बोलेगा ना, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। 11th और 12th में ना मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था ECMB। तो यार कुछ लोगों को लगता है जो लोग इस कॉम्बिनेशन में पढ़ाई करते हैं वो लोग जादू के आशीर्वाद से बहुत दिमाग वाले होते हैं। तो बेटा बात तो सही है, लेकिन मैं उन लोगों में से था ना जिनको पता नहीं होता कि फ्यूचर में करना क्या है, इसीलिए वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों ले लेते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ ना तो इंजीनियरिंग ही कर लेंगे। और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो यार सबसे पहले आते हैं ना हम लोग बायोलॉजी टीचर पे। बाकियों का पता नहीं यार, तुम लोगों का ही पता नहीं, मेरा जो बायोलॉजी टीचर थे ना उनका बायोलॉजी तो जो भी था लेकिन लैंग्वेज बड़ा ही वीक था। बताता हूँ कैसे। वो एक ही बात को ना आगे पीछे करके बताते थे। फॉर एग्जाम्पल क्लास में मैं होमवर्क नहीं किया, जो कि मैं कभी नहीं करता था, मैं होमवर्क नहीं किया तो वो मुझे खड़ा कर देंगे और सबसे पहले पूछेंगे होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने, फिर 5 4 3 2 1 क्यों नहीं किया होमवर्क तुमने, फिर 5 4 3 2 1 अब एक नया वर्ड लगा देंगे, मुझे बताओ क्यों नहीं किया होमवर्क तुमने, अगेन 5 4 3 2 1 बताओ मुझे क्यों नहीं किया होमवर्क तुमने। अरे कहना क्या चाहते हो। मुझे आज तक पता नहीं चला यार कि उनकी याददाश्त कमजोर थी या वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं समझ चुका हूँ। फिर आते हैं मैथ्स टीचर पे। मैथ्स टीचर वो लोग होते हैं ना, उनको चाहे जितना भी पीरियड दे दो, फ्री पीरियड दे दो, गेम्स पीरियड दे दो, बाकी के एक्टिविटीज के पीरियड दे दो, जितना पीरियड दे दो वो कभी खुश नहीं होंगे। आप दो ना। इनको हर बात में प्रॉब्लम नजर आता है। मेरे जो मैथ्स टीचर थे ना उनको बेवजह मुझे डांटने में पता नहीं क्या मजा आता था। वो मुझे हफ्ते भर रोज डांटते थे, और अगर तुम्हें लगता है कि संडे के दिन मैं बच जाता हूँ ना, तो वो संडे के दिन हॉस्टल में आके मेरे रूम में घुस के मुझे डांट के जाते थे। तो यार एक दिन मैं लंच ब्रेक के बाद अपने क्लास वापस जा रहा था, तो अचानक से वो मेरे पास आए और मुझे बोला कि तुमने ये पैंट कहाँ पे पहना हुआ है। मुझे एक टाइम के लिए लगा शायद मेरा पैंट निकल गया, तो मैंने देखा पैंट सही जगह पे था, तो मैंने बोला सर को सर सही जगह पे ही है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा पैंट तुम्हारे नाभि से 3 इंच नीचे है, यहाँ क्या लोवेस्ट पैंट के स्टाइल मारने आते हो। ओ भाई मारो मुझे। तो यार एक टाइम के लिए मैं अभी मानता हूँ कि मेरी आंखों में दूरबीन लगे हैं और मैं खूबसूरत लड़कियों को दूर से ही देख लेता हूँ। लेकिन भाई साहब इनकी आंखों में तो एक्सरे लगाए बे, ये सर को मेरे शर्ट के अंदर के बनियान के अंदर के नाभि तक दिख रहा था बे। उसके बाद मुझे खुद से ज्यादा लड़कियों का टेंशन होने लगा। फिर आते हैं फिजिक्स वाले टीचर। ये वो लोग होते हैं ना जिनको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी तुम पूछ लो, ये घूम फिर के तुम्हें मारने पे ही आ जाते हैं। मैं अभी बताता हूँ कैसे। पहला एक एग्जाम्पल सोचो कि क्लास में पढ़ा रहे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अगर तुम प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ भी डाउट पूछोगे ना तो सबसे पहले एक उड़ता हुआ डस्टर आएगा तुम्हारे पास, और अगर तुमने कैच कर लिया तो सही है, अगर कैच नहीं किए तो भी सही है, क्योंकि वो बोलेंगे वो है प्रोजेक्टाइल और जो गया वो है ट्रैजेक्टरी और तुम्हारा सर है टारगेट। तो अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि फिजिक्स टीचर जब न्यूटन्स थर्ड लॉ समझाते हैं उनका फेवरेट एग्जाम्पल ये क्यों होता है। भाई मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे गाल पे तो एक्शन हुआ लेकिन आपके हाथ पे कौन सा रिएक्शन हुआ। मेरे गाल पे एक्शन होने का सबूत है मेरे पास, 4 लाइनें,
लेकिन उनके हाथों पे मेरे गाल के एक भी निशान नहीं होते। और लास्ट में आते हैं केमिस्ट्री टीचर। मेरा जो केमिस्ट्री टीचर थे ना, वो मुझे 11th और 12th दो साल के अंदर कैंपस के अंदर एक बार भी पास होने नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, 11th और 12th में मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही एक बार केमिस्ट्री पास हुआ हूँ, और उसके बाद इंजीनियरिंग में एक बार केमिस्ट्री पास। तब तक इस बंदे ने मुझे मंडे टेस्ट तक में भी पास नहीं करवाया। जिस दिन मैं पास हुआ ना 12th का एग्जाम, तो उस दिन के बाद से मैं आज तक उसे ढूंढ रहा हूँ। इवन इफ मैं इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री एग्जाम पास हो गया, मैं आज तक उसे ढूंढ रहा हूँ, आज तक वो नहीं मिला। जब भी मिलेंगे ना, मैं उनको जरूर बताऊंगा कि सर देखो मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तो यार इस वीडियो को ना इतना शेयर करो कि उनके पास पहुंचे और उन्हें पता चले कि मैं पास हो गया। तो यार वीडियो तो इतना तक ही था। तो देखो, इसे शेयर करो, इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस के ना नए नए एपिसोड आते हैं, तो जानने के लिए ना सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो करो सब्सक्राइब।